अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिराज अली और आप मेरा चैनल फिश बॉय देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको शुरू में कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत काम की होंगी परचेसिंग करते वक्त, ख़ास तौर पे डामा मछली। आप जब भी परचेस करें इसके बॉडी के ऊपर एक हाथ फेर लें, इसके जो गिल्स हैं, फिन्स हैं, गिल्स के साइड में ही आप इसको प्रेस करके हल्का सा देखें। ऐसा नहीं कि मछली को आप दबा के उसका गोश्त ही फाड़ दें, ऐसा ना करें। हल्का सा आप उसके ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस मछली के अंदर एक गुठली होती है और अक्सर वो कटिंग करते वक्त फटने की वजह से उसके अंदर से एक ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का लिक्विड निकलता है जो पूरी मछली का गोश्त को तबाह कर देता है, ख़राब कर देता है। ये माल भी जैसे कंपनी का छटा हुआ माल था। डामा मछली ऐसी है ये हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इतना दूर फिशरी आता है और सस्ते मछली की तलाश में, कुछ लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगी मछली सस्ती मछली ख़रीदे और उसमें भी कोई नुक्स निकल आए तो मैं समझता हूँ उसका नुकसान है। तो इस चीज़ को आप ख़ास तौर पर देखें जो मैंने आपको तरीका बताया। इसकी बॉडी के ऊपर आप हाथ फेरें, उंगली से टच करके देखें, आपको इसका डॉट मिल जाएगा। इसके अलावा ये रावस मछली है जिसे इंडियन सैल्मन भी कहते हैं, थ्रेड फिन भी कहते हैं, और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसी वजह से इसका नाम भी इंडियन सैल्मन रखा गया है। ओरिजिनल सैल्मन तो नॉर्वे की मछली है, बाकी ये मछली काफ़ी खाने में लजीज है अगर ए ग्रेड की हो। ये तो बी ग्रेड सी ग्रेड का माल है। इसके गिल्स भी आप देखें, गिल्स भी इसके ख़राब हो चुके हैं, तो खाने में बहुत ज़बरदस्त मछली है। नॉर्मली इसके रेट 1000-1200, इस वक्त शायद 800 से 1000 के दरमियान फ्लैक्चुएट कर रहे होंगे। जो बड़े दाने इसके बड़े पीस हैं, तकरीबन 2 से 3-4 किलो के दरमियान के पीस हैं, और खाने में बहुत ज़बरदस्त लजीज मछली है। वाइट गोश्त होता है इसका, कांटे भी इसमें नहीं होते और बर्फ़ी की तरह गोश्त होता है इसका, बिल्कुल नरम मुलायम बर्फ़ी की तरह। अलावा ये मछली है येलो टेल एम्बर जैक, इसका इंग्लिश में नाम है क्योंकि इसकी जो दुम है ये टेल येलो होती है, लेकिन बॉडी इसकी जो है ब्लैक शेड ऊपर से आ रहा होता है और नीचे वाइट शेड, और इसकी बॉडी जहाँ पर वाइट और ब्लैक शेड मिल रहा है यहाँ पर एक येलो लाइन इसकी जा रही होती है अगर बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में हो। तो ये थोड़ा सा हल्का माल था, वरना ये मैं परचेस कर लेता। ये मछली बहुत रेयर है और बहुत कमाती है, जब भी आपको दिखे परचेस करें, 500 से 600 रुपये किलो के दरमियान इसका रेट है। इसके अलावा ये बोरा मुश्का है, छोटा साइज़ है, तकरीबन किलो में 6 से 7 दाने वाला। आप जो ठेलों पर फिलेट बोनलेस खा रहे होते हैं तो वो इस मछली के होते हैं। क्वालिटी बी ग्रेड होती है, ये भी बी ग्रेड क्वालिटी है, लेकिन अगर आपको इसका ए ग्रेड क्वालिटी मिले तो आप इसको बोनलेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी मछली है। यहाँ हमारे पाकिस्तान से इसके छोटे दाने यानी 100 ग्राम से नीचे के जो दाने होते हैं ये एक्सपोर्ट होते हैं, इसका कंपनियों में कीमा बनता है और यहाँ से एक्सपोर्ट होता है थाईलैंड, चाइना वगैरह। सफ़ेद कुन है, सफ़ेद कुन के रेट्स काफ़ी नीचे आ गए हैं, 700-750 इस तरह के रेट्स के चल रहे हैं, मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, कभी माल आ जाता है तो 700 भी आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस रेट में आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करें। अच्छी मछली है, वाइट मीट है, और ये मैंने परचेज़ किया था बिल्कुल खड़ा दाना, बिल्कुल सर से मैंने उसको उठाया तो बिल्कुल सीधा इस रेट हार्ड होता है, पकने के बाद ये सॉफ्ट हो जाता है, और उसको बिरयानी वगैरह में सालन में, सालन के लिए बेहतरीन मछली है, सालन बिरयानी के लिए बेहतरीन मछली है, और हाईली रिकमेंड करूँगा आपको। लेकिन इसको विद इन 3 डेज इसको आप यूज़ कर ले, नहीं तो इसका टेस्ट बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, इसको ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। ये मछली है स्पेनिश मैकरल जिसे कलगन या करगन कहते हैं, और ये सुरमई की कॉपी है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट गोश्त होता है इसका, इसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं, छोटे छोटे ब्लैक डॉट्स होते हैं, तो ये गोश्त थोड़ा सा सॉफ्ट होता है सुरमई के मुकाबले में। ये कैप्टन दंदिया है, कैप्टन दंदिया का साइज़ काफ़ी बड़ा आता है और ये बिल्कुल A+ कैटेगरी का माल है। इसका सीज़न आजकल नहीं है, इक्का दुक्का दाने इसके नज़र आते हैं, लेकिन अगर आपको ये 700 की रेंज में अगर आपको मिल जाए बड़े दाने, किलो वाले दाने, 1.25 किलो, तो आप इसको फ़ौरन से परचेज़ कर लें। अच्छी मछली है, ये पोता मछली है, ए कैटेगरी का माल है। ये मिक्स लॉट मैंने परचेज़ कर ली थी अपने एक कस्टमर के लिए जिसमें मुल्ला के दाने थे, ये मुझे तकरीबन 600 के अराउंड में मिल गई थी। इसमें 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक के पीस थे। कैप्टन दंदिया का सालन बहुत ज़बरदस्त बनता है, इसके आप स्लाइस करवाएं, इसका सालन बनाएं, बहुत ज़बरदस्त लाजवाब इसका सालन बनता है, लेकिन रेयर है, बहुत खूबसूरत मछली है। समंदर में जब ये होती है, तैर रही होती है, तो उस वक्त इसकी स्किन शाइनिंग एक अलग ही लुक दे रही होती है। जब हम इसको शिकार करते थे और बोट पर आती थी तो इसकी एक अलग स्किन शाइनिंग होती थी। इसके अलावा ये पोता है, पोता को तो असल अक्सर लोग कदरचा वगैरह भी बनाकर बेच रहे होते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल कदरचा नहीं है। अच्छी मछली है ये भी खाने में।
मुल्ला के बारे में आपको बताऊं, मुल्ला ग्रिल में अच्छी मछली है। ग्रिल आप इसको करें या आप इसको डीप फ्राई करें। ईरानी पापलेट, चप्पल पापलेट, लेदर जैकेट, इस तरह के काफ़ी इसके नाम हैं फिशरी में, लेकिन लेदर जैकेट या चप्पल फिश आप इसे कहें ये बेहतर है। पापलेट से आप इसको शबिया ना करें तो बेहतर है, क्योंकि पापलेट एक अलग लेवल की, अलग कैलिबर की फ़िश है और ये अलग एक इसका लेवल है। लेकिन यह है कि आप इसकी स्किन आप इसकी रिमूव करवाएं और उसके स्लाइस बनवाएं, तो इसमें ये ऑयली फ़िश है। जो लोग ऑयली फ़िश या फैटी फ़िश पसंद करते हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। दिखने में थोड़ी सी अजीब सी है लेकिन मछली बहुत लाजवाब है ये। हमारे एक बड़े अच्छे से सब्सक्राइबर हैं और बड़े अच्छे भाइयों जैसा उनके साथ रिलेशन है, माशाल्लाह फ़िश परचेजिंग भी करवाते हैं मुझसे, हम खुद साथ भी जाते थे। वो इनके फ्लेम अक्सर उनके लिए लेता हूँ और वो इनके बर्गर बनाते हैं। बड़ी खुशी होती है कि अपने बच्चों को माशाल्लाह इस तरफ इनका रुझान बहुत अच्छा है। बर्गर उनके फ़िश के वो मतलब बना रहे हैं, घर में पिज़्ज़ा बना रहे हैं, उसमें ऐड कर रहे हैं इस चीज़ को, फ़िश के जो बोनलेस हैं, ख़ास तौर पे चप्पल पापलेट है, क्योंकि इसका गोश्त बहुत वाइट होता है और बहुत ज़बरदस्त ऑयली गोश्त होता है इसका। ये है फुगिया मछली, धंधिया मछली की फैमिली से बिलोंग है और अच्छी मछली है। खाने में कुवैत, ओमान वगैरह काफ़ी एक्सपोर्ट हो जाती है और खाने में बड़ा लजीज टेस्ट है इसका। ग्रिल में बहुत अच्छा इसका एक जायका निखर के सामने आता है। 800 से 600 रुपये किलो के हिसाब से साइज पर डिपेंड कर रहा है और इसके हिसाब से इसके रेट चल रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये मेरी परचेजिंग थी। इसे लॉन्ग स्पाइन ब्रीम कहते हैं, यानी कुब निकला हुआ इसका, जैसे एक डांट मछली, डांट जिसे कहते हैं, इसका कुब निकला होता है, डांट का, बेल का, इसी तरह इसका कुब निकला होता है, इसलिए इसे लॉन्ग स्पाइन सी ब्रीम कहते हैं। खाने में बड़ी लाजवाब मछली है, थोड़े से रेट्स इसके ज़्यादा हैं, 800 से 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से। मेरी परचेजिंग 850 थी इसकी, 2.4 केजी में 3 पीसेस थे। इसके अलावा ये गिस्सर भी मेरी परचेजिंग थी, आ 1200 गया रुपये पर केजी शिराज के भी, हिसाब ये से आ गया हमारे इसकी। पास कनर्चा, बिल्कुल फिट फाट, बेहतरीन हालत है, बिल्कुल फ्रेश। ये आ गया सफ़ेद कुन, ये बिल्कुल ज़बरदस्त हालत में है। ये बोनलेस आ गया मेरा। इसके अलावा ये मेरे पास मुश्का आ गया, और ये आ गया मेरी छाया। शिराज भी सब कुछ बेहतरीन पहुंच गया, सही हाल में, फिट फाट है।